जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस। विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एमपीटेट पर्यावरण से संबंधित निरंतर टेस्ट सीरीज चल रही है, उसी में अगली कड़ी में हमारा पार्ट फोर है। ठीक है, आपसे निवेदन करूंगा कि लाइव क्लासों से जरूर जुड़ें। दोपहर 2:30 बजे आपकी लाइव क्लास बाल विकास से संबंधित होती है, साथ ही 6:30 बजे बाल विकास पर्यावरण से संबंधित लाइव क्लास होती है, रात्रि 9 बजे हिंदी की लाइव क्लास होती है और रात्रि 12 बजे होती है करंट अफेयर्स की। तो सभी लोग इन लाइव क्लास से जुड़ें और ये टेस्ट सीरीज आपको जो सिलेबस के आधार पर निरंतर पर्यावरण के प्रेषित किए जा रहे हैं तो उनको जरूर पढ़ना है। इससे पहले 3 पार्ट जो है जिसकी प्लेलिस्ट भी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखें। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो शहद का प्रमुख घटक कौन सा है, आपको उत्तर बताना है। तो फटाफट अगर आपसे बनता है तो जल्दी से कमेंट में लिखें। एक बात और कि आप सभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें जहां पर आपको पीडीएफ और बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। सबसे पहले आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करें, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक। IAS स्टडी ट्रिक सर्च करके उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है, बहुत सारे लोग उसमें जुड़ चुके हैं। तो शहद का प्रमुख घटक है तो जल्दी से आपका उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा फ्रैक्टोस। फ्रैक्टोस यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है तो क्या करता है, प्रश्न क्रमांक कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन या खनिज लवण, जल्दी बताओ। प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर बताना है तो 2 का जो उत्तर होगा कार्बोहाइड्रेट यानी कि विकल्प नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट, सभी को याद है, याद करते जाना है, प्रश्न का उत्तर भी बताते जाना है। एंजाइम मूल रूप से क्या है, जल्दी से कमेंट में लिखो। प्रश्न क्रमांक 3 का अगर आपसे बनता है तो फटाक से आपको कमेंट में जरूर लिखना है कि जो एंजाइम है इसका मूल रूप क्या है, जल्दी से बताओ उत्तर क्या हो जाएगा इसका। तो फटाक से बताना है एंजाइम का मूल रूप क्या होता है, तो उत्तर इसका सही होगा क्या होगा, जल्दी जल्दी से सभी को बताना है। प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर हो जाएगा बी, प्रोटीन, है ना। एंजाइम का मूल रूप होता है प्रोटीन यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है तो बताओ, उड़द के दाने में, मटर के दाने में, सोयाबीन के दाने में या फिर अरहर के दाने में, आपका उत्तर क्या होगा, जल्दी से कमेंट में सभी लोग, अगर बनता है क्वेश्चन तो सभी लोग कमेंट में लिखते जाएं। जो सोयाबीन होता है, सोयाबीन विकल्प नंबर डी, इसके दाने में सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्रोटीन होता है, सभी को याद रख लेना है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है तो कहाँ पर होता है, यकृत में, फुफ्फुस में, त्वचा में या फिर ब्रक में, प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर हमें बताना है क्या हो जाएगा सही उत्तर। तो जो विटामिन ए भंडारित होता है वो होता है यकृत यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही हो जाएगा। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है तो वो होता है यकृत में, विकल्प नंबर ए इसका सही हो जाएगा, सभी लोगों को याद रख लेना है। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है, जल्दी बताओ। विटामिन ए का प्रचुरतम जो स्रोत है वो क्या माना जाता है, अगर आपसे पूछा जाता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है तो आपका उत्तर होगा रतौंधी। ठीक है, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, लेकिन विटामिन ए का जो प्रचुरतम स्रोत माना जाता है वो क्या माना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा आम, सभी को याद रख लेना है। विटामिन डी का प्रचुरतम स्रोत माना जाता है, प्रचुरतम पूछा गया है, ठीक है, इसलिए आम इसका सही उत्तर होगा। पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है रसायनों द्वारा, हेमीकरण द्वारा, पाश्चरीकरण द्वारा या किण्वन द्वारा, प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर आपने देखा होगा, पैकेट में दूध आता है और इसको संरक्षित किस प्रकार से किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा पाश्चरीकरण यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही हो जाएगा, पाश्चरीकरण द्वारा इसको संरक्षित किया जाता है। अब आपको बताना है कुपोषण नहीं है तो पोषण की कमी, उचित शारीरिक विकास, प्रतिरोधक क्षमता की कमी या बौद्धिक क्षमता में कमी, जल्दी से कमेंट में लिखो। प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर सभी को बताना है, उत्तर क्या हो जाएगा 8 का, जल्दी बताओ। उत्तर 8 का जो होगा वो क्या होगा, 8 का हो जाएगा सी, उचित शारीरिक विकास, कुपोषण नहीं है, मतलब अगर शारीरिक विकास हो रहा है तो वो कुपोषण नहीं है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से कमेंट में लिखना। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर हमें बताना है तो इसका सही उत्तर जल्दी जल्दी बताओ, उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। ठीक है, सभी को याद रख लेना है, 1 इसका सही हो जाएगा। भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया, प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर सभी को बताना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
पल्स पोलियो टीकाकरण जो आरंभ है कार्यक्रम है वो कब आरंभ किया गया, तो वो किया गया 1995, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। और 2012 में जो है पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया भारत को और पोलियो का टीकाकरण प्रारंभ किया गया तो 1995 में किया गया। सभी लोगों को याद रख लेना, कुछ इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट होता है, प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर सभी को बताना है, कोबाल्ट किसमें होता है जल्दी से बताओ उत्तर क्या होगा। तो कोबाल्ट हो जाता है दोस्तों विटामिन B12, विटामिन B12 यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही होगा, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। अगला है विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, ये 12 का उत्तर बताना है, 12 का उत्तर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। तो वो कौन सा है, विटामिन C, विटामिन C जो है खट्टे फलों में पाया जाता है और चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, तो विटामिन C इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं जल्दी बताओ, प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर क्या हो जाएगा जल्दी जल्दी से हमें कमेंट में लिखना है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं, उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा विटामिन C, विटामिन C की कमी से मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं, और विटामिन C का जो प्रचुरतम स्रोत माना जाता है वो माना जाता है आंवला, आंवला माना जाता है, मतलब आंवला में प्रचुरतम विटामिन C पाया जाता है, तो सभी लोगों को याद रख लेना है विटामिन C का रासायनिक क्या नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा एस कार्बिक अम्ल, यानी कि प्रश्न क्रमांक जो 14 का उत्तर होगा वो बी होगा, एस कार्बिक अम्ल इसका सही होगा, विटामिन C का रासायनिक नाम है। निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है, थाइमिन बेरीबेरी एस कार्बिक अम्ल एस्कर्बी विटामिन A से वर्णांधता है विटामिन K से रक्त का जमना, प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर बताना है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो जो सुमेलित नहीं है वो नहीं है विटामिन A, वर्णांधता, विटामिन A की कमी से वर्णांधता, ठीक है ना, तो विकल्प नंबर जो सी है ये सुमेलित नहीं है, याद रखना है सभी को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है जल्दी से बताना है, महत्वपूर्ण है केंद्रीय खाद्य जो है प्रौद्योगिकी जो संस्थान है वो कहाँ पर है, तो इसका सही उत्तर होगा मैसूर, कहाँ पर है मैसूर। ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है जल्दी से कमेंट में जरूर बताएं, और इसके पहले के जो 3 पार्ट हैं उनको जरूर देखना है, ठीक है। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है, हमें बताना है एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है, कैंसर की, पोलियो की, TB या फिर एड्स की, प्रश्न क्रमांक जो 17 का उत्तर बताना है वो क्या हो जाएगा, तो एलिसा जांच करती एड्स की, यानी कि जो विकल्प नंबर D है वो इसका सही हो जाएगा। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है, नागपुर में, लखनऊ में, हैदराबाद में या फिर मैसूर में, प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर क्या हो जाएगा, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान है लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ठीक है, यहाँ पर केंद्रीय औषधि शोध संस्थान है, सभी को याद रख लेना है। अगला हमारा क्वेश्चन है मिलान करना है, रतौंधी कौन से रोग से होती है, और जो है जल्दी जल्दी इनका, स्कर्वी, रिकेटस, विटामिन D की कमी से, रक्ताल्पता किसकी कमी से, तो 19 का उत्तर सभी को बताना है, 19 का जो उत्तर हो जाएगा वो होगा बी, बी मतलब हो जाएगा एक का दूसरा, तो रतौंधी विटामिन A की कमी से होता है सभी को पता है ना, और इसकर भी विटामिन C की कमी से होता है, और जो रिकेटस है ये विटामिन D की कमी से होता है, और रक्ताल्पता विटामिन B12 की कमी से होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इनको सुमेलित करना था जो हमने सुमेलित कर दिए। नेक्स्ट है बीमारी और उनके जांच को सही रूप में दोनों स्तंभों से मिलान कीजिए, तो अब हमें दोनों स्तंभों से मिलान करना है, तो जल्दी से बताइए मिलान करिए उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर ए, ए मतलब हो जाता है 1 का 3, बिडाल टेस्ट होता है टाइफाइड का, है ना, ये चीज़ याद रखनी है, और जो बी का हो जाएगा वो 5वां हो जाएगा, तो डिक टेस्ट होता है स्कॉरलेट फीवर का, ये चीज़ याद रखनी है, और सी का हो जाएगा दूसरा, सी का दूसरा मतलब डेंगू बुखार, टाइफाइड
टार्निकेट जो टेस्ट होता है वो डेंगू बुखार का होता है, ठीक है। और जो डी का हो जाएगा वो क्या होगा, पहला, डी का पहला आर ए फैक्टर होता है गठिया के लिए, और एलिसा टेस्ट जो होता है वो काय का होता है, एलिसा टेस्ट होता है एड्स, यानी कि जो विकल्प नंबर 4 है एलिसा टेस्ट एड्स से संबंधित है, तो इसका सही हो जाएगा, विकल्प नंबर 1 इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी बीमारी जल द्वारा नहीं होती, फ्लू, टाइफाइड, अमीबीएसिस या फिर हैजा। प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर हमें बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा फ्लू। फ्लू जो होती है वो पानी जल द्वारा नहीं होती, बाकी हैजा, टाइफाइड और अमीबीसीएस ये जल द्वारा होती हैं, तो याद रख लेना। शरीर के अंदर लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है, प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर बताना है, जल्दी बताओ। शरीर के अंदर लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है, तो उत्तर होगा रक्तहीनता। रक्तहीनता यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही हो जाएगा, ये लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किसका कैंसर के उपचार में जो है उपयोग किया जाता है, आयोडीन 131, सोडियम 24, फास्फोरस 32 या कोबाल्ट 60। प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर क्या हो जाएगा, तो कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 का जो प्रयोग किया जाता है वो कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मीन माता रोग का कारण क्या है, मीन माता जो रोग है उसका कारण क्या है, पारा, कैडमियम, जस्ता या फिर सीसा। तो प्रश्न क्रमांक 24 का उत्तर बताना है, मीड माता जो रोग होता है उसका कारण है पारा, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो इसका सही होगा। जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक होता है, 25 का उत्तर हमें बताना है, 25 का उत्तर क्या हो जाएगा, जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक होता है विषाणु, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा, जापानी इंसेफेलाइटिस का कारण होता है विषाणु। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, प्रश्न क्रमांक 26 का उत्तर हमें बताना है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 26 का उत्तर सभी लोगों को बताना है, उत्तर होगा विटामिन के बांध्यापन, ये जो है ये सुमेलित नहीं है। थाइमिन से बेरी बेरी रोग होता है, विटामिन डी से सूखा रोग होता है, और नियासिन से प्लेग्रा होता है, तो ये जो है विटामिन के की कमी से बांधपन नहीं होता, मतलब जो है सी इसका सही हो जाएगा।